सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जौनपुर से सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज जौनपुर में दौरा है। आपको बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का आज जनपद में आगमन है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जौनपुर से सामने आई है। आपको बता दें कि जौनपुर में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दौरा है। सुबह 11 बजे जौनपुर पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों के साथ वे बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज जौनपुर दौरा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जौनपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज दौरा है। वे 11 बजे जौनपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे कई अहम मुद्दों पर बैठक भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जौनपुर से सामने आई है, जहां पर जौनपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का दौरा है। सुबह 11 बजे जौनपुर पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों के साथ वे बैठक करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जौनपुर से सामने आई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जैसा कि आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का जौनपुर में दौरा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी, आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भूपेंद्र सिंह चौधरी जौनपुर आ रहे हैं। जौनपुर में उनके द्वारा पार्टी के साथ कार्यकर्ताओं नेताओं साथ बैठक किया जाएगा। दिन में 11 बजे जौनपुर पहुंचने की संभावना देखी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए जौनपुर की सीमा सिंगराम मऊ से लेकर के जौनपुर तक गिरना जिगरना स्वागत की तैयारी भाजपा द्वारा किया जा रहा है, ताकि उनके सम्मान स्वागत के साथ जौनपुर लाया जाए, जहां पर पार्टी कार्यालय सिंहपुर में एक बैठक होगी। बैठक में पार्टी के पदाधिकारी और तमाम नेता सांसद विधायक सभी मौजूद रहेंगे। अखिलेश जी, इस दौरान वे एक बैठक भी करेंगे, बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है? निकाय चुनाव सामने आ रहा है, दिसंबर या जनवरी निकाय चुनाव हो सकता है। जौनपुर जिले में 13 नगर पालिका नगर पंचायत मिलाकर सीटें हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए तमाम प्रकार के टिप्स दिए जाएंगे पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, ताकि आगामी नगर निकाय के चुनाव में पार्टी को विजय हासिल हो सके। जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद अखिलेश।